अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबका जॉब अपडेट और पीके पे वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब 2022 के अबाउट डिस्कस करेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अप्लाई कैसे करना है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने गूगल या क्रोम जो भी आप यूज़ करते हैं इस पर आप जॉब अपडेट डॉट पी के टाइप करेंगे। जैसे ही आप जॉब अपडेट डॉट पी के सर्च करते हैं आपके सामने हमारा मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हमारे सोशल मीडिया ग्रुप लिंक्स दिए गए हैं। अगर आप में से कोई हमारे इन ग्रुप्स में शामिल होना चाहता है तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके शामिल हो सकता है। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है। अगर कोई लड़की हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहती है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पर रब्ता करके शामिल हो सकती है। इन ग्रुप्स का फ़ायदा यह है, यहाँ आने वाली हर न्यू जॉब वैकेंसीज के अबाउट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी जॉब पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप डायरेक्टली ग्रुप एडमिन से कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स हैं, आप किसी भी जॉब के बारे में विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब 2022 के अबाउट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एडवर्टाइजमेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने जो कम्प्लीटली रीड आउट कर लेना है। इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। PPSC ने 700 प्लस जॉब पोस्ट अनाउंस की है। इसका सोर्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में इन जॉब पोस्ट के अबाउट एड आया है। जॉब लोकेशन लाहौर है। हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 सितंबर 2022 है। क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर मास्टर होनी चाहिए। जॉब टाइप गवर्नमेंट परमानेंट है। ऑल ओवर पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट रिलेटेड मेंशन की गई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कैंडिडेट का मस्ट होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, CNIC कॉपी, डोमिसाइल टू रिसेंट फोटोग्राफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पोस्ट के बाद बताया गया कि अकाउंटेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट, असिस्टेंट नेटवर्क एडमिन, बायोमेडिकल इंजीनियर, केयर टेकर्स, कैशियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, सेक्रेटरीज, RTA, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टीनोग्राफर, टेक्नोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग, सर्जिकल, वेटरनरी ऑफिसर, इन सब के लिए जॉब पोस्ट अवेलेबल है। इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने वो कम्प्लीटली फिलअप करना है। उसके साथ हमने तमाम डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अटैच करनी है और सबमिट करवा देनी है। या फिर आप इसी एडवर्टाइजमेंट फॉर्म को स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते वक्त आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल या मैसेज आएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो अपने रियल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएँ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन में मौजूद FB इंस्टा पर लास्ट में फॉलो करें ताकि आपको न्यू वैकेंसीज के अबाउट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।